हेलो गाइस, वेलकम टू तेजी मंडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कमाल के अपडेट के बारे में जिसमें कि हमें अभी पता चला है कि एवेंजर एंड गेम में टोनी स्टार्क यानी कि हमारे आयरन मैन वो बिल्ड करेंगे इन्फिनिटी गॉटलेंट, जो कि एक ऐसा हथियार है, जो कि एक ऐसी चीज़ है जिसने पूरा यूनिवर्स तबाह कर दिया था, यानी कि हाफ यूनिवर्स। तो सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले काफ़ी टाइम से थ्योरीज आ रही थी कि टोनी स्टार्क बिल्ड करेगा इन्फिनिटी गॉटलेंट को, और देन फाइनली आज उसकी एक लीगो सेट इमेजेस भी आई है। तो इसमें मेरी पर्सनल थ्योरी भी है जो कि मैं आपको बताऊंगा, और देन जो अपडेट है वो भी बताऊंगा एक साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो सबसे पहले जो लीगो सेट है उसमें इन्फिनिटी गॉटलेंट रखा हुआ है अपने राइट साइड में, जिसमें कि टोनी स्टार्क उस पर रिसर्च कर रहा है। तो ये है वो लैब और इन्फिनिटी गॉटलेंट। पर मेरे हिसाब से, मेरा मानना ये है पर्सनली कि शायद एवेंजर्स थैनोस से लड़कर उससे इन्फिनिटी गॉटलेंट ले लिया होगा और टोनी स्टार्क उसे अपनी लैब में लाकर रिसर्च कर रहा है। मेरा मानना ये है, क्योंकि टोनी स्टार्क इन्फिनिटी गॉटलेंट को क्यों बनाएगा ऑलरेडी, क्योंकि उसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स तो है नहीं है। क्या पता अगर वो बना भी ले तो शायद वो धीरे धीरे टाइम ट्रेवलिंग करके ये सारी चीज़ें और इन्फिनिटी स्टोन्स को ले लें। तो क्या पता, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। और देन बात करते हैं अपडेट के बारे में। तो फाइनली मॉर्बियस का नया ईस्टर एग करने से रिलेटेड, ट्रक पे करनेज लिखा हुआ है। हल्का ब्रूस बैनर का नया लुक लॉन्च हुआ है जो कि लेजेंड सीरीज का है, और देन इसमें उनका फुल आर्मर दिखाया गया है। नीचे कैप्टन मार्वल, वॉर मशीन, आयरन मैन और थैनोस भी है। उसके साथ साथ हॉकआई रोनिन का भी नया लुक नजर आया है जो कि क्लियरली फुल एचडी है। अगर आपको ये इमेजेस चाहिए तो मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर मिल जाएगी। देन साथ ही साथ रोनिन के साथ हमें मिला है थैनोस का लुक, जो कि काफ़ी कमाल का लग रहा है। और देन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये रोल लुक है वो काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल है, क्योंकि हर डिटेल काफ़ी ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही है। और रोनिन के पास है नहीं है ब्लेड फेंकने के भी हथियार हैं, दो तलवारें भी हैं, जो कि इस वर्क में पता चलता है। और देन लेजेंड सीरीज के साथ थैनोस का जो लॉन्च हुआ है वो भी काफ़ी फुल डिटेलिंग है और फुल आर्मर है। तो आप नोटिस करोगे कि थैनोस के पास एक तलवार है जो कि हमें काफ़ी टाइम पहले से पता ही है, पर इस जो कौन सा पार्ट में पता चला कि उसका फुल आर्मर पूरी बॉडी को ढक रहा है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। और देन कैप्टन मार्वल का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आ चुकी है, वर्ल्ड वाइड 900 मिलियन कमा चुकी है, डोमेस्टिक में 300 मिलियन, जो कि बहुत ही कम लग रहा है मुझे, क्योंकि कैप्टन मार्वल जिस लेवल की पिक्चर है उस लेवल का पैसा अर्न नहीं कर पा रही है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आप कुछ वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, या तो उस पर थैनोस के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।